सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी, और बात कर रहे हैं हम हिंदी विषय की, यानी हिंदी व्याकरण की। और हिंदी व्याकरण के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम पार्ट 9th 90 भाग में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 225 तक। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको जो सभी सब्जेक्ट सभी जो जानकारियां हैं वो मिल सके, क्योंकि हमने इसके अंदर सभी ऑप्शंस के बारे में सटीक और सही जानकारी आपको दी है और पूरा विश्लेषण किया है। साथ ही इस वीडियो की आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए फ्री में आप हमारी वेबसाइट www.dkmpbsc.com को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप विजिट करें हमारा फेसबुक पेज और इसे लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स हमें रेगुलर प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201, निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, संधियों के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी होगी। संधियों के लिए हमने पूरे वीडियो बनाए हैं, तीनों संधियों के ऊपर डिटेल वीडियो है, तो आप इन चीज़ों को जरूर देख लें। सबसे पहले बात करते हैं निराधार संधि की। तो निराधार संधि का हम अगर संधि विच्छेद करके देखें, क्योंकि बिना संधि विच्छेद की हम नहीं जान सकते कि किस में कौन सी संधि होगी, तो निराधार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, नि धन आधार। ध्यान दीजिएगा, निधन आधार, ये जो विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हुआ है और इसका नियम जो है व्यंजन संधि में दिया गया है। तो ये कौन सी, माफ कीजिएगा, विसर्ग संधि के अंदर इसमें दिया गया है। जिस संधि के अंदर विसर्ग लगा होता है, जो पीछे दो बिंदियाँ होती है, इसे विसर्ग कहते हैं, और वो जो होती है विसर्ग संधि होती है। तो सही आंसर है विसर्ग संधि। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संधि वाले वीडियो डिटेल में देख लें। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर ना जाए, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द को चुनिए। तो सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा, सबको आपको पता है, इज्जत नहीं, पैसा नहीं, पगड़ी नहीं, वो होगा दमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी, दमड़ी का मतलब होता है पैसे को ही दमड़ी कहते हैं, लेकिन सही शब्द यहाँ पर दमड़ी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी भाषा होती है उसमें फिर मैं आपको बता दूँ कि जो बोला जाता है वही हमेशा लिखा जाता है। तो इसके अंदर देखिए, जा आधा है, ज्योत्सना, ज्योत्सना इसे बोला जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं बोला जाता, स्ना बोला जाता है ना, ज्योत्सना। तो ता भी आधा है, सा भी आधा है, ना पूरा है, जा आधा है, तो ज्योत्सना ये इसका जो होगा सही वर्तनी होगी, सही तरीके से लिखा गया हुआ। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर हमें विसर्ग संधि खोजनी है। देखेंगे हम सबका, हम संधि विच्छेद करके देखेंगे। देखिए, सदैव का संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा सदा धन एव, और इसके अंदर जो है वृद्धि संधि है। वहीं सज्जन की बात करें, सत धन जन, इसके अंदर जो है व्यंजन संधि है। नरेंद्र की बात करें, नर धन इंद्र, ये स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में इसमें गुण संधि है। वहीं अतेव की बात करें तो अतः, ये व्यंजन लगा हुआ है, धन एव, और इसके अंदर जब ये आपस में मिलते हैं तो विसर्ग अपने आप खत्म हो जाता है, विसर्ग हटा दिया जाता है, और ये विसर्ग संधि का नियम है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो संधि है वो अतेव, अतः एव है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है, तो खालिस्तान में क्या आएगा। इनमें से देखें, परीक्षण नहीं किया जाता, परिगणन नहीं किया जाता, परिमापन नहीं किया जाता, परिसीमन किया जाता है। देखिए, परिसीमन क्या होता है, पॉलिटी के अंदर ये वैसे होता है, 10 साल के अंदर जब जनगणना होती है उसके बाद जो चुनाव क्षेत्र होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, उनके क्षेत्रों में कोई क्षेत्र जोड़ा जाता है, कोई क्षेत्र हटाया जाता है, तो उसे कहते हैं परिसीमन, यानी उसकी सीमाओं का निर्धारण फिर से किया जाता है, तो ये परिसीमन कहलाता है। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सही वर्तनी इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। फिर मैं आपको बता दूं, सही वर्तनी वो जो आप बोलते हैं वही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर होता है जीजी, देखिए जी 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 बड़ी होगी, जीजी विषा, ठीक है, तो ये जो है इसका सही, जीजी वर्षा नहीं होता,
जजीवसा नहीं होता, जिजीविषा नहीं होता, जिजीविषा। तो ये इसका जिजीविषा जो है ये सही है। यथा साध्य में कौन सा समास है? तो समास के लिए भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, यथा साध्य, यथा, हर, प्रति, इस टाइप से जो वाक्य होते हैं जो कि अव्यय होते हैं, और अव्यय में इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तत्पुरुष जैसे राजा, राजमहल, गौशाला, बहुव्रीहि समास की बात करें तो दस यादन जिसके अर्थात रावण, ये जो होते हैं बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें, यक्षशाला में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, यक्षशाला के अंदर अगर हम समास की बात करें तो यक्षशाला के अंदर जो समास है वो है तत्पुरुष समास, यानी यक्ष की के लिए शाला। तो ध्यान दीजिएगा, यक्ष के लिए शाला, तो ये तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास नहीं है, कर्मधारय नहीं, अव्ययी भाव नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, नागर का पर्यायवाची शब्द नगर नहीं है, ढोल नहीं है, चतुर नहीं है, नगरवासी है। जो नागर होता है उसे नगरवासियों को नागर कहा जाता है। ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन के लिन कुंज को उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से अब इसको आप समझिए। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तीन प्रकार के अनुप्रास यहाँ बताए गए हैं। ये क्या छेकानुप्रास है, क्या वृत्तानुप्रास है, या लाटानुप्रास है, या यमक अलंकार है। तो देखते हैं कि कौन सा अलंकार होता है। देखिए, छेकानुप्रास वो अनुप्रास होता है जिसके अंदर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ण, यानी पहले तो ये सभी जो तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार 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 होती है, तो जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन यहाँ पर अब देखें कि ये जो अलंकार है छेकानुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार आता है, यानी एक जो वर्ण होता है एक अक्षर एक बार आया और फिर दूसरी बार आ गया, यानी उसकी आवृत्ति एक बार हुई, एक बार तो ओरिजिनली आया फिर उसकी एक बार आवृत्ति हुई, यानी कि कुल मिलाकर दो बार वो आया, तो ये क्या कहलाएगा, छेकानुप्रास। वहीं वृत्तानुप्रास की बात करें तो वृत्तानुप्रास वो होता है कोई शब्द या कोई अक्षर अगर एक बार से अधिक आवृत्ति हो, यानी कि तीन बार आए या तीन बार से अधिक बार आए। छेकानुप्रास में दो बार आता है, वृत्तानुप्रास में तीन बार आता है या तीन बार से अधिक आता है, तो वो क्या कहलाता है, वृत्तानुप्रास। तो इसके अंदर अगर कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा, यहाँ पर का आ रहा है, फिर यहाँ पर का आ रहा है, फिर यहाँ पर का आ रहा है, फिर यहाँ पर का, फिर यहाँ पर का, और फिर यहाँ पर का, तो कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार और छः बार। अगर ये सिर्फ दो बार, जैसे इस लाइन में देखते हैं ये पूरा ना होता, एक ही लाइन होती कि ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा, तो इसमें क्या होता, एक बार और दूसरी बार आया, यानी एक बार का आया और एक बार उसकी आवृत्ति हुई, लेकिन यहाँ पर का एक बार आया और उसकी आवृत्ति एक, दो, तीन, चार और पाँच बार हुई, कुल छः बार आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। चलिए, लाटानुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार में होता क्या है कि एक ही बात होती है, एक ही बात होती है और शब्द भी एक से होते हैं, लेकिन उनका पद क्रम चेंज कर देने से, यानी उनका जो आव्यूह होता है, आव्यूह मतलब किसी चीज़ को कैसे बोला जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, रोको मत जाने दो, अगर हम इसमें यहाँ पर कॉमा लगा दें तो ये आव्यूह इस तरह से बनेगा कि रोको मत जाने, यानी कि सामने वाले को रोक लो, उसे जाने मत दो। लेकिन अगर इसको यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दिया जाए तो अब क्या बनेगा, रोको मत, रोको मतलब उसे रोको मत, मत रोको उसे, उसे चले जाने दो। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों बार में इसका अर्थ चेंज हो गया, लेकिन शब्द वही के वही थे, और यही क्या कहलाता है, लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। ये दो बार लिखा जाता है, एक बार यहाँ, एक बार लिखा गया यहाँ डेस लगा के रोको मत जाने दो, और दूसरी बार लिखा जाता है रोको मत जाने दो, ये दो बार लिखा गया, और दोनों बार में इसका अर्थ अलग अलग हो गया, और ये क्या कहलाया, लाटानुप्रास अलंकार। चलिए, आप डूबे तो जग डूबा का इसका अर्थ क्या होगा, समझ देखिए, इसका अर्थ होगा कि जो बुरा आदमी होता है वो सबको बुरा कहता है, जो खुद बुरा होता है वो दुनिया को बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हुआ, ये इसका अर्थ नहीं होता। अपनी हानि हो पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, ये इसका अर्थ नहीं होता। अपने आप को समान, सबको अपने समान समझना, ये इसका अर्थ
नहीं होता। चलिए, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मूक का विपरीतार्थक यानी मूक के विपरीत जो अर्थ देता है। मूक मतलब जो चुप हो, जो बोले नहीं, और इसका विपरीतार्थक होगा जो बहुत ज़्यादा बोले, और बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। तो सही आंसर है वाचाल। अगले प्रश्न की बात करें, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले इसकी माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन थोड़ी मज़ेदार है। देखिए, हम जब किसी को भला बुरा कहना होता है तो दो तरह के शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। एक कहते हैं या तो साला कहते हैं या साली कहते हैं, कि वो तो साला ऐसा या वो साली ऐसी है। तो इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब यदि आपको दही का लिंग ज्ञात करना है तो आप देखें कि दही को आप साला कह सकते हैं या साली कह सकते हैं। जैसे कहें कि साला दही मिला ही नहीं, तो यहाँ पर क्या पता चला? आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि साली दही मिला ही नहीं? तो आप बोलेंगे साला दही मिला ही नहीं। तो इससे आप ज्ञात कर पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और ये हर शब्द के साथ काम करता है। किसी भी शब्द का आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ज्ञात करना है तो इसी ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हैं। दही क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इस शब्द पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की गई है, तो व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची हो, नभ भी आकाश का पर्यायवाची है, अनंत जो है वो भी आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन अंबक जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं होती। अंबक का मतलब होता है आँख, ध्यान दीजिएगा, अंबक जो है पर्यायवाची नहीं है। कुंद इंदु सन देह उमा करण वरुण रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? फिर से अलंकार की बात पे हम आ गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी यदि हम बात करें तो कुंद इंद सम देह, यहाँ पर जो है उपमा की गई है, जो देह यानी कि शरीर की उपमा की गई है। किससे? कुंद और इंद, कुंद का मतलब होता है जो सोना, सोने वगैरह से इसकी कुंदन के समान जो चमकता है, उससे इसकी उपमा की गई है शरीर की। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है, जब किसी चीज़ की दूसरी चीज़ से उपमा दी जाती है तो वो उपमा अलंकार होता है। चलिए, अगले की बात करें, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ जो है वो है लापरवाही से नुकसान होता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका अर्थ होता है लापरवाही से नुकसान होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होता। काम करते समय उसकी पहचान करना नहीं होता, इसका मतलब होता है रुख पहचानना। आपको रुख पहचानना होता है कि आखिर चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। रुख पहचानने का मतलब होता है तेल देखो तेल की धार देखो। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का जो सही विलोम है, अर्वाचीन का मतलब होता है बिल्कुल नूतन, नया, नवीन। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन जो होगा, प्राचीन जो होगा अर्वाचीन का विलोम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वही मैंने आपको बताया, उत्साह के साथ बोल सकते हैं तो उत्साहशाली नहीं बोलेंगे, उत्साह के साथ बोलेंगे साला, चक्रव्यूह साला बोलेंगे और चक्रव्यूहशाली नहीं बोलेंगे, लेकिन मृत्यु को आप साली बोल सकते हो। देखिए दोस्तों, हंसिएगा नहीं, और हंस भी लीजिएगा तो अच्छा ही है, बट एक अच्छी ट्रिक है मैंने आपको बता दी। संकल्प के आप साला बोल सकते हैं, संकल्प को साली आप नहीं बोलेंगे, इसलिए जो सही आंसर है वो मृत्यु है। चलिए, और ध्यान दीजिएगा, इसको आप अन्यथा भी बिल्कुल ना लें, नहीं तो आप अन्यथा सोचे कि ये सर क्या पढ़ाने लग गए हैं, किस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं। आपके लिए, जस्ट आपके लिए उपयोगी था, सिर्फ इसलिए मैंने बताया, और मेरा कोई उद्देश्य इस तरह का ना तो किसी को आघात करना है, ना वल्गर भाषा का यूज़ करना है, सिर्फ आपको ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए, और एडवांस में उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो जिसका अर्थ अलग है वो कौन सा है? देखिए, आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, नंदिनी का मतलब होता है पुत्री, कन्या का मतलब होता है पुत्री, लेकिन भार्या जो होता है, भार्या का मतलब होता है पत्नी। तो भार्या जो है अलग अर्थ देता है। जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमानों की मतलब एक दूसरे से का जो उपमान दिया जाता है और उसमें शंका होती है कि आखिर ये वही चीज़ है या नहीं है, तो उसका जो है कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यानी कि जानी श्याम घनश्याम को, जब घनश्याम भगवान भगवान कृष्ण की बात हो रही है कि मोरों ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो उन्हें लगा कि बादल उमड़ आए हैं और वो नाचने लगे, तो उनकी जो बॉडी थी, उनका जो सांवला रंग था, उसकी वजह से मोरों ने उन्हें बादल समझ लिया। तो ये क्या हुआ, उपमेय में उपमानों की शंका हो गई कि आखिर ये बादल ही है या नहीं है। तो यहाँ जो होता है संदेह अलंकार माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, तो अगला प्रश्न जो है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है, सभी को पता होगा। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन, जिसको बहुत कम ज्ञान है और वो दुनिया भर में कहता फिरे कि मुझे तो इतना ज्ञान हो गया है। मानव का विलोम, तो सबसे सिंपल है, मानव का विलोम होगा दानव, देत नहीं होगा राक्षस नहीं होगा पुरुष नहीं होगा। बाल का स्त्रीलिंग, बाल का स्त्रीलिंग जो होगा वो बालिका नहीं होगा, वालिका नहीं होगा, बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। ध्यान दीजिएगा, बालक का स्त्रीलिंग बालिका हो सकता है, लेकिन बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा, बालिका नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करें, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो जो भिन्न अर्थ देता है वो कौन सा शब्द है, उसको देखें। देखिए व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ध्यान दीजिएगा, टाइगर। मगराज का मतलब होता है शेर, लायन। मृगेंद्र का मतलब भी होता है शेर या लायन। जबकि तुरंग की बात करें, तुरंग का मतलब होता है अश्व, यानी कि घोड़ा। चलिए अब इनमें से अलग अर्थ देने वाला कौन है, तो तुरंग जो है अलग अर्थ देने वाला है, क्योंकि एक तो ये तीनों जानवर जो हैं जंगली हैं, एक तरीके से इस तरह से देख सकते हैं, फिर तीनों एक ही प्रजाति के हैं, बिल्ली प्रजाति के, शेर बाघ तीनों एक ही प्रजाति के, जबकि घोड़ा जो है अलग प्रजाति का है। तो इसलिए तुरंग क्या होगा, अश्व या फिर घोड़ा, ये अलग अर्थ देता है। आखिरी प्रश्न की बात करें, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत क्यों धन संचय, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह अलंकार की बात हो रही है। अब फिर से हम बहुत अच्छे से सारे अलंकारों को पढ़ लेंगे, छेकानुप्रास क्या होता है, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लें कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी कहावत हमारे यहाँ, ये पंक्तियाँ हैं, बहुत शानदार पंक्तियाँ हैं, कि यदि किसी का बेटा कुपुत्र है, गंदा है, अच्छा नहीं है, उसके जो चाल चलन आचरण खराब है, तो उसके लिए धन संचय यानी धन पैसा बचाने की जरूरत नहीं, वो उसको बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तो दूसरी बार में कहा गया है कि यदि वही पुत्र अगर अच्छा है और वो अपना उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसके लिए भी पैसा बचाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने लिए खुद कमा लेगा। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो एक ही बात है, लेकिन दोनों बार क्या है, उसके अर्थ जो है अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो अलंकार है ये है लाटानुप्रास अलंकार। मैंने आपको पहले पिछले उसमें बताया है लाटानुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है, कि जो बातें होती हैं वो एक ही होती हैं, लेकिन जो अर्थ होता है उनमें थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। जैसे अगर देखें आप, मैंने आपको उदाहरण बताया था, इसके अलावा एक और उदाहरण है कि राम, लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण है कि राम हृदय, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। दूसरे में है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, जी दोनों आप पढ़ने में एक ही बातें यहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो गया। क्यों, यहां कॉमा लगाया, यानी कि जो अव्यय हुआ है वो अन्वय जो है वो अलग अलग किया गया है। कैसे, कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति, मतलब जिसके हृदय में राम होता है उसको विपत्ति जाके नहीं विपत्ति, उसे विपत्ति नहीं आती, उसके लिए सब और सुमंगल होता है, सुमंगलता ही। दूसरे में कहा गया कि राम हृदय जाके नहीं, यानी जिसके हृदय में राम नहीं है उसके लिए क्या होता है, विपत्ति सुमंगलता ही, उसके लिए जो सुमंगल होता है वो भी विपत्ति हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है। वही छेकानुप्रास अलंकार को बता चुका हूँ कि एक वर्ण एक बार आए और उसकी एक बार
आवृत्ति हो तो वो क्या होता है, यानी कि दो बार कोई वर्ण आए, मात्र दो बार, तो छेक अनुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास दो बार से अधिक आए तो वो कौन सा होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहीं अगर हम बात करें अंत्यानुप्रास अलंकार की, तो अंत्यानुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है बहुत आसानी समझ सकते हैं, जिसमें तुकबंदी आए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें तुकबंदी आए। तुकबंदी मतलब अंत में दोनों चीज़ से, आपने गाने सुने होंगे फिल्मी गीत, उनमें आखिरी चीज़ें एक जैसी होती हैं। चलिए तुकबंदी का उदाहरण देके मैं समझा देता हूँ कि जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, लास्ट में क्या आया है, जल थल में, और उसका अगली लाइन है कि स्वच्छ चांदनी खिली हुई है अपनी और अंबर तल में, तो यहाँ पर क्या, तल में, तो पहले वाली लाइन में आया था अंत में थल में, और इसमें आया तल में, तो ये क्या है, तुकबंदी है। तो यहाँ पर जो वर्ण है वो तो बार बार आ ही रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें, लेकिन अंत में तुकबंदी इसमें की हुई है, इसलिए क्या है ये अत्यानुप्रास अलंकार माना गया है। चलिए अब एक श्रव्यानुप्रास अलंकार भी होता है, ध्यान दीजिएगा, श्रव्यानुप्रास अलंकार भी होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वर्णों की, यानी एक ही अक्षर की आवृत्ति नहीं होती, एक वर्ग के अक्षरों की आवृत्ति होती है। एक वर्ग जैसे कोई एक दोहा या कोई छंद है, कोई चौपाई है, उसके अंदर ता भी आ जाए, था आ जाए, द आ जाए, ध आ जाए, और ना, ये एक ही वर्ग के अक्षर हैं, जब इनकी आवृत्ति होती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है श्रव्यानुप्रास अलंकार। जैसे आप देखें कि दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, ध्यान दीजिएगा, दिनांत था यानी कि दिन का अंत हो रहा था, थे दीनानाथ डूबते, तो इसके अंदर आप देखेंगे द आया है, ना आया है, ता आया है, था आया है, तो ये क्या है, श्रव्यानुप्रास अलंकार, यानी एक ही वर्ग के जो वर्ण है उनकी बार बार अनुप्रास हो रहा है, अनुवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर श्रव्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए आज का हमारा ये वीडियो होगा यही समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। तो चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK Academy, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।